ओके सो हाँ चलो हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 विच रीड्स. सब बोर्ड पे देख के भयानक वाली फीलिंग आ रही होगी ना. नहीं है भयानक, बहुत फालतू है. अ बुक विथ मैनी प्रिंटिंग एरर्स, वो भी हम ढूंढे. अ बुक विथ मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूले फॉर द डिस्प्लेसमेंट वाई. वाई दिख रहा है, वाई इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, चार इक्वेशन दिख रहे हैं. वाई क्या है उसमें? इट्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल. फॉर द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्टेन पीरियोडिक मोशन. मतलब कोई तो पार्टिकल है जो पीरियोडिक मोशन कर रहा है. पीरियोडिक मोशन मतलब ऑसिलेशन. ऑसिलेशन मतलब हमने काफ़ी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं. पेंडुलम, इट इज़ ऑसिलेटिंग, एक ही पाथ पे वो आगे पीछे घूम रहा है, दैट इज़ नोन एज पीरियोडिक मोशन, राइट. सो पेंडुलम हो सकता है, या क्लच पेंसिल या पेन, जैसे हम कहते हैं टिक 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 टिक, राइट. सो दैट इज़ व्हाट इज़ टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज़ पीरियोडिक मोशन, राइट. तो कोई एक पार्टिकल है जिसका पीरियोडिक मोशन कर रहे हैं और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब उसकी पहली जो मेन पोजीशन है जहाँ पे वो स्टेशनरी था, वहाँ से कुछ डिस्प्लेस हुआ, मतलब पहला डिस्प्लेसमेंट, फिर आगे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें कौन से फिजिकल क्वांटिटीज मैटर करते हैं. तो पहला वो डिस्प्लेस हो रहा है मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट. दूसरा वो जहाँ मैक्सिमम तक जाएगा, दैट विल बी इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट. मतलब पेंडुलम है तो यहाँ पे वो स्टॉप हो रहा है, यहाँ से ही शुरू हो रहा है, ओके. तो यहाँ से जा रहा है, दिस इज डिस्प्लेसिंग, पर ये पॉइंट यहाँ पे राइट साइड पे, दिस इज द मैक्सिमम इट कैन डिस्प्लेस, राइट. सो दैट इज गिवन बाई ए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. दूसरा इसका वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, जब हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी हम स्टार्ट करेंगे, राइट. फिर वो हार के थक के धीरे 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 ज़ीरो होगा. तो वो धीरे धीरे क्या है, उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है. सो दैट वेलोसिटी और स्पीड इज गिवन बाय वी ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज डूइंग पीरियोडिक मोशन. एंड देयर इज वन मोर क्वांटिटी, हाँ, टाइम. टाइम इज गिवन टू अस एज कैपिटल टी. तो ये इक्वेशन में छोटू टी क्या है वो भी तो लिखा है. हाँ, दैट ऑल्सो मीन्स टाइम ओनली, राइट. क्लियर, कैपिटल टी दिया है, छोटू टी समझ लेना है, वो टाइम ही है. आई टेल यू भाई बाद में, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी. अभी हमारे लिए छोटू टी हो या मोटू टी हो, दोनों टाइम पीरियड ही है. ओके, आई एम फिनिशिंग द क्वेश्चंस. या सो अ बुक विथ मेनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूले फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विच इज वाई. वाई इक्वेशन, वाई. तो उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वाई है और उसका कुछ ना कुछ इक्वेशन दिया है. ओके, अंडरगोइंग अ सर्टेन पीरियडिक मोशन. इक्वेशन 1, 2, 3, 4 जो अंदर लिखा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ओके, व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन टू अस इज वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ए इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. आई सेड दैट इन सर्टेन डायरेक्शन द पार्टिकल कैन स्ट्रेच अप टिल दिस मच. तो वो अप टिल दिस मच जो है वो उतना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है विच इज डिनोटेड बाई ए, स्मॉल ए गिवन देयर. ओके, वी, वी इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, जो वेलोसिटी या स्पीड से वो मूव हो रहा है, which is changing, of course. And capital T, it is time period of the motion. This all things are given to us. These all things are given to us. अब करना क्या है? Rule out the wrong formula on dimensional grounds. चलो, dimensional analysis करके we are supposed to find out कि ये चार equation में से कौन सा dimensionally correct है और कौन सा dimensionally corrupt है. Okay? आई मीन इनकरेक्ट है. ओके, सो स्टार्टिंग विथ, अब देखो इक्वेशन 1, 2, 3, 4 सब में एल एच एस क्या है? सब में एल एच एस वाई है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाई इज इक्वल टू समथिंग, वाई इज इक्वल टू समथिंग, वाई इज इक्वल टू समथिंग, वाई इज इक्वल टू समथिंग. तो हर एक का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो कॉमन लिख देते हैं, ठीक है. सो एल एच एस इज इक्वल टू हाउ मच? वाई, 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 सब कुछ वाई, सब कुछ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज अ मेजरमेंट ऑफ लेंथ और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एम ज़ीरो एल वन टी ज़ीरो. पता चला? क्लियर, ये मोगली की चड्डी याद है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के बिना डायमेंशनलिसिस पॉसिबल नहीं है. ओके, अब कभी भी साइन कॉस के नाटक किए हमने, जितना भी डायमेंशनलिसिस सीखा
कुछ भी किया है नाटक, साइन कॉस में नहीं किया है. ओके, द ओनली थिंग दैट वी हैव डन इज वी वेन एवर वी हैव डन दैट लिमिटेशंस फॉर डायमेंशन एनालिसिस, वो जो चार पांच लिमिटेशंस हमने बोर्ड पे लिखे थे और आपने बुक में लिखे थे, उसमें ऐसा मेंशन किया था, वन ऑफ द लिमिटेशन इज डायमेंशन एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू, डायमेंशन एनालिसिस इज नॉट अप्रोप्रिएट टू फंक्शन फॉर थ्री फंक्शंस इन मैथमेटिक्स, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल. ये तीनों टर्म्स में डायमेंशनल एनालिसिस वैलिड नहीं है. डायमेंशनल एनालिसिस वैलिड नहीं है मतलब डायमेंशंस आएंगे ही नहीं, मतलब m0, l0, t0 होना चाहिए, साइन हो, कॉस हो, लॉग हो. साइन कॉस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग या ln नेचुरल लॉग है, इट इज़ लॉगरिथमिक फंक्शन, या तो e टू द पावर एक्स टी है या e टू द पावर log x है, दिस इज एक्सपोनेंशियल. एंड द लास्ट वन आई मेंशन e टू द पावर log x, इट इज़ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, राइट? तो लॉगरिथमिक टर्म्स, एक्सपोनेंशियल टर्म्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, ये सब का जब भी हम डायमेंशन एनालिसिस फाइंड करेंगे, इट इज़ नॉट वैलिड. नॉट वैलिड मतलब m0, l0, t0 ही आना चाहिए, ये याद रख लो, ठीक है? डायमेंशनली ये तीन चीज़ें हम नहीं कर सकते. नहीं कर सकते मतलब उनका एम एल टी आने ही नहीं वाला. आने नहीं वाला तो उसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? एम ज़ीरो, एल ज़ीरो, टी ज़ीरो, मतलब डायमेंशंस नहीं मिले. क्लियर? राइट? चीज़ वही है, ये लिमिटेशंस ही है जो हमने पढ़े थे, पर उसको यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्मेट में कैसे लिखना है? एम ज़ीरो, एल ज़ीरो, टी ज़ीरो, लिमिटेशन है. नहीं आया डायमेंशन फॉर्मूला, नहीं आया डायमेंशन फॉर्मूला, उसको कैसे लिखेंगे? एम ज़ीरो, एल ज़ीरो, टी ज़ीरो, चार बार तो अभी बोल दिया, अब तो याद रह गया होगा. चलो, तो ये साइन का फंक्शन क्या आना चाहिए? m0, l0, t0. ये साइन का फंक्शन क्या आना चाहिए? m0, l0, t0. ये साइन का फंक्शन क्या आना चाहिए? m0, l0, t0. ये साइन और ये कॉस इंडिविजुअली दोनों का एम एल टी क्या आना चाहिए? m0, l0, t0. ये दोनों का अलग अलग क्यों? अरे जीरो प्लस जीरो कर लेंगे ना हम, मतलब m0, l0, t0 प्लस m0, l0, t0 विल एंड अप व्हाट? m0, l0, t0. पर दोनों का इंडिविजुअली m0, l0, t0 आना चाहिए. ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि kg प्लस kg कर सकते हो, kg प्लस मीटर नहीं कर सकते. पता चला, राइट? दो सेम यूनिट्स के क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक कर सकते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर किसी को भी कर सकते हो, राइट? पर शक्कर में, 2 kg शक्कर में 3 स्पूंस ऑफ सेकेंड्स नहीं मिला सकते हो. डू यू गेट इट? तो kg में सेकेंड्स ऐड नहीं कर सकते हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हर एक टर्म का एडिशन से पहले या बाद में या सब्ट्रैक्शन से पहले या बाद में अलग अलग एम एल टी निकलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन कॉस में या आई मीन लिमिटेशंस में आ रहे हैं इक्वेशन या नहीं भी आ रहे हैं. क्लियर? सो वेन एवर वी राइट डाउन x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वी ज़ीरो टी या v इज इक्वल टू वी ज़ीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, मोशन की इक्वेशन, राइट? सो v इज इक्वल टू वी ज़ीरो टी, उसका एम एल टी अलग निकलेगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का एम एल टी अलग निकलेगा. आई थिंक सिमिलर एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी डन. क्लियर? चलो शुरू करें. कितनी कथा कर ली, सॉल्व कुछ भी नहीं किया. चलो, पहला आई एम राइटिंग हियर आर एच एस वन. आई एम राइटिंग हियर आर एच एस वन. सो आर एच एस वन इज ये पूरा टर्म, तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे और साइन के अंदर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. अगर ये पूरा m0, l0, t0 आता है तो ये सही है, और उसके बाद ए का क्या आता है उसको चेक करेंगे, एंड देन वी विल सी कि आर एच एस वन इज गेटिंग सेम एज एल एच एस और नॉट. तो ए क्या है? ए इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अगेन लेंथ. तो ए का एम एल टी क्या होगा? m0, l1, t0, डन. साइन का क्या होगा? सो साइन इज वॉट? इट इज 2 पाई. 2 पाई इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसका कुछ एम एल टी बैठेगा नहीं. ओके, टाइम अपॉन टाइम, सो दिस विल बी वॉट? पूरा लिखूँ? सो साइन ऑफ, चलो डायरेक्ट लिख रही हूँ, साइन ऑफ टाइम अपॉन टाइम, सो दिस विल बी वॉट? एम ज़ीरो, बट ये साइन फंक्शन में लिखना है ना, आई एम सॉरी, स्टेप वाइज लेट्स राइट डाउन. सो दिस विल बी वॉट? टाइम का वन अपॉन टाइम का वन. क्लियर? तो ये एम ज़ीरो एल वन टी ज़ीरो, एंड दिस विल बी वॉट? दिस होल फंक्शन विल बी वॉट? टी अपॉन टी कैंसिल, सो दिस विल बी साइन ऑफ वॉट? एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो, डन.
So m0, 0 plus 0, 0, 1 plus 0, 1, 0 plus 0, 0. So this will be what? m0, 0 plus 0, 0, dekho. 1 plus 0, L1, 0 plus 0, T0, done. This RHS1 is equal to LHS. So this equation is correct. Clear, this equation is dimensionally correct. Okay, second equation. तो इसमें हम लिखेंगे आर एच एस टू. चलो शुरू करो. सो पहला इज ए. तो ए के लिए इट इज एम जीरो एल वन टी जीरो. ए क्या है? एक्सेलरेशन है यहाँ पे दिया है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ. लेंथ का एम एल टी इज व्हाट? एल वन. ओके, अब साइन ऑफ वी इंटू टी. सो साइन ऑफ क्या आएगा? वेलोसिटी इज, वेलोसिटी या स्पीड, इट इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड, डन. तो ये क्या हो गया? मतलब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ मैं, जीरो वाला कुछ भी नहीं लिख रही अभी मैं. डन अपॉन क्या था? आह आई एम सॉरी, अपॉन नहीं है, इनटू है. टी, टी इज वन. तो ये क्या हो गया? टी माइनस वन, टी वन, ये कैंसिल हो गया. अच्छा, पर एल वन बचा. मतलब दिस टर्म इट इज इनकरेक्ट, राइट? सो दिस इज डाइमेंशनली इनकरेक्ट. क्यों? अगर लिखना है, दिस इज द सिंबल ऑफ बिकॉज. ये देयरफॉर होता है, ये बिकॉज होता है, राइट? कि मेरे जैसे जो मैथ्स वाले लोग हैं उनके लिए, मैंने खुद को बोला, यू डू नॉट गेट ऑफेंडेड. चलो, बिकॉज साइन फंक्शन मस्ट बी डायमेंशन लेस और डायमेंशनली जीरो, जो यहाँ पे नहीं है. सो दिस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट. मतलब यहीं पे गलत हो गया, तो इसको तो मैच करने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है, राइट? मतलब इस पर से क्या पता चला? कि कोई भी फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉगरिथमिक हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इट हैज़ टू एंड अप एम जीरो एल जीरो टी जीरो. साइन आया एम जीरो एल जीरो टी जीरो? नहीं आया, टी कैंसिल हो गया, बट एल वन आया. क्लियर? सो दिस इज इनकरेक्ट. साइन कॉस आना ही चाहिए जीरो जीरो जीरो. डू यू अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट थर्ड वन, what is it? RHS 3. This is what? एक मिनट, कुछ गलती किया? नहीं, सब सही है. A upon T. So A is displacement, so that is L1 upon T, that is T minus 1. और ये M0. Then ये A upon T, A is displacement, मतलब L1 upon T, time is नीचे, so T is minus 1, नीचे. Okay, sine of T by A. साइन ऑफ टाइम, टाइम इज टी वन अपॉन ए अपॉन लेंथ एल वन. हुआ ये जीरो? हुआ ये जीरो? हुआ ये जीरो? हुआ नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे? डायमेंशनली इनकरेक्ट. उर्दू कॉपी पेस्ट, ठीक है. चलो लास्ट वन, फोर्थ वन क्या है? आर एच एस, एक मिनट, इंग्लिश भी भूल गई मैं. आर एच एस नंबर फोर क्या है वो? ए अपॉन रूट टू. अच्छा, रूट टू क्या है? नंबर है, इट इज अ नंबर. तो ए क्या लिखेंगे? एल वन, मतलब एम जीरो एल वन टी जीरो, डन. ओके, साइन ऑफ, अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, साइन ऑफ टू पाई. अच्छा, टू पाई इज अगेन अन्यूमेरिकल वैल्यू, तो टी अपॉन टी करना है. सो दिस विल बी वॉट? टी वन अपॉन टी वन, टाइम अपॉन टाइम, यार चला गया. सो दिस विल बी वॉट? यहाँ पे लिख रही हूँ कॉस प्लस, मतलब यहाँ पे नीचे, हाँ इसके बाजू में ही है ये, पर नीचे लिख रही हूँ ताकि कट ना जाए इफ इन केस वीडियो में. टू पाई अगेन नंबर, टी अपॉन टी, टाइम अपॉन टाइम, सो टी वन अपॉन टी वन, डन. चलो साइन कॉस उड़ गया. देखो साइन टी वन, टी वन गॉन, मतलब ये क्या हो गया? एम जीरो एल जीरो टी जीरो. कॉस टी वन, टी वन गॉन, ये क्या हो गया? एम जीरो एल जीरो टी जीरो, डन हो गया. तो इसको हम कैसे लिखेंगे यार? हाँ, इसको कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे लिख रही हूँ एम जीरो, ये स्टेप लिख रही हूँ, एल वन टी जीरो, डन. और साइन कॉस से क्या मिला हमें? एम जीरो एल जीरो टी जीरो, डन. दिस इज डायमेंशनली वैलिड. अब ओके, तो एम जीरो प्लस जीरो, एम जीरो एल वन प्लस जीरो, एल वन टी जीरो प्लस जीरो टी जीरो, ठीक है. सो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट. तो ये पूरे एग्जाम्पल के कंक्लूजन में क्या लिखोगे? हियर टू फॉर्मूले, द फर्स्ट वन एंड द फोर्थ वन आर डायमेंशनली करेक्ट एंड द थर्ड वन एंड द सेकेंड वन आर डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूले. आई होप यू अंडरस्टूड. राइट डाउन.